हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज़। और आज हम करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, जिसको ऑर्डर किया है हमने फ्लिपकार्ट से। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नया DSLR Canon EOS 700D। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। 18 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है इसमें, ISO 12800 और 5.0 फ्रेम पर सेकेंड, और 9 ऑल क्रॉस टाइप 9. AF हाइब्रिड CMOS AF 3.2 इंच का जो है इसमें LCD डिस्प्ले है, जो कि टच स्क्रीन है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस इसकी देखें, तो प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,995 लिखा है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन स्टोर्स में जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे 36,000-37,000 के अप्रॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा पीछे की तरफ कुछ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है, जो कि चाइनीज़ में ही है ऑलमोस्ट। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, जो कि इसका एक यूजर मैनुअल है EOS 700D, और कई रीजन्स में, यानी कि आउट ऑफ इंडिया इसको रेबल T5i भी कहा जाता है। तो अगर आप रेबल T5i लिख के अगर यूट्यूब में या फिर गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको सेम यही कैमरा या इसके रिव्यूज देखने को मिलेंगे। काफ़ी मोटी इसकी मैनुअल है। तो ये मेरा फर्स्ट DSLR है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको यूज़ करने के लिए संभाल के रखना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं और बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ये CD मिलती है इसके साथ, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहला आइटम है ये Canon का स्ट्रैप, जिसको हमें अपने कैमरे के साथ अटैच करना होगा। देख सकते हैं आप, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, कैनन की ब्रांडिंग के साथ ये इसके हुक्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप इसको अपने कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है इसमें ये चार्जिंग केबल, मतलब इसको हमें चार्जर के साथ अपने लगाना है। नॉर्मल चार्जिंग केबल है। देख सकते हैं ये इसका चार्जर। यहाँ पे बैटरी फिट हो जाएगी, और चार्जिंग का इंडिकेटर, बैटरी फुल होने का एक इंडिकेटर यहाँ दिया गया है। इस केबल को जो इसके साथ मिलती है, हमें यहाँ पे इसको अटैच करना होगा इस तरीके से। और ये जो है इसकी बैटरी, ये देखिए कुछ बैटरी के कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं, इसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, तो बैटरी हमें मिलती है 1120 mAh की बैटरी इसमें है, 7.2 वॉट की, और मेड इन चाइना इस पर लिखा गया है कुछ। और इसको चार्ज करने के लिए हमें जो है इस टाइप से, इस ये जो पिन है इसको यहाँ इस पिन के साथ आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है इस टाइप से।
इसके अलावा हमें मिलता है इसमें एक ये मिनी टू मेन USB ए टाइप का केबल, इसको अपने फोन टीवी या लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट करने के लिए डेटा ट्रांसफर के लिए। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना कैमरा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा DSLR कैमरे का मेन बॉडी, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं EOS 700। और पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, ये इसकी स्क्रीन है, इसको यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी चाहे, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये टच स्क्रीन है, आप चाहे तो बटन से भी नेविगेशन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं और टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पीछे की तरफ कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ बटन के थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं, जो स्ट्रैप आपको मिला है आप उसको यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अभी इसको साइड रख देते हैं। एक हमें इसमें एक ये मेमोरी कार्ड मिला है, इसको ओपन करके देखते हैं, जो कि SanDisk का है, 8GB का मेमोरी कार्ड है, 40 MB/s की इसकी स्पीड है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इस तरफ कोई मेंशन नहीं है, पीछे की तरफ देखते हैं 355 रुपीज़ का जो है ये मेमोरी कार्ड है 8GB का, जो इसके साथ हमें फ्री मिला है। उसके अलावा लेंस की बात करें तो ये लेंस जो है 18x55mm का लेंस है कैनन का। इस तरह आप देख सकते हैं ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस के लिए बटन दिया गया है, इवन स्टेबलाइजर के लिए बटन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप इसको ऑटो फोकस पे ही रखें। ये इसका कैप है, इसको यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस लेंस को, इसको भी हम साइड रख देते हैं। इसके अलावा एक बॉक्स और है, तो इसके अलावा एक लेंस और मिला है हमें इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 55x255mm का, जो कि मतलब जूम इन करने के लिए या लंबी दूरी की पिक्चर्स लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें भी सेम ऑटो और मैनुअल फोकस के लिए बटन दिए गए हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए भी बटन दिया गया है ऑन ऑफ का, सेम कैमरा उसका आप से देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको अपने कैमरे की बॉडी में जो है फिक्स कर सकते हैं। ये इसका कैप, यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो अभी हम इसको साइड करते हैं और देखते हैं सारी एक्सेसरीज जो हमें इसके साथ मिली हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एक्सेसरीज हैं और कैमरा और लेंस, चार्जर, बैटरी जो हमें इसके साथ मिलती है फुल इस पैकेज में। तो अब हम इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं बैटरी, बैटरी लगाने के लिए हमें इसको ओपन करना है यहाँ से, और इस बैटरी के साइन को
यहाँ मैच करते हुए हम इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। और इसके साथ ही मुझे लगता है मेमोरी कार्ड भी यहीं कहीं लगेगा। तो दोस्तों बैटरी हमने इंसर्ट कर ली है, इसको ओपन कर देते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए हमें इसको यहाँ से ओपन करना है आगे की तरफ पुश करके, और इस साइन के साथ, ये जो साइन दिया गया है इस साइन के साथ कार्ड को मैच करके हमें जो है इंसर्ट कर देते हैं। इसमें पुश करेंगे हल्का सा, इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसमें एक लेंस का यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसको देख सकते हैं आप। और सबसे पहले जो हम इसमें लेंस जो है लगाएंगे, वो लेंस हम जो इसमें लगाने वाले हैं वो है 18x55mm का। इस लेंस को लगाने का जो तरीका है, आप ये साइन देखिए, ये वाइट डॉट और ये वाइट डॉट, आपको यहाँ इसके साथ यहाँ पे इस कैप को खोलने के बाद मैच कर लेना है, और हल्का सा आपको जो है साउंड ये सुनाई देगा। इट मीन्स आपका लेंस जो है फिट हो चुका है। आगे का लेंस कैप हम हटा देते हैं, और ये हमारा कैमरा जो है रेडी हो गया है फर्स्ट बूट के लिए। तो ये स्क्रीन को हम रोटेट कर लेते हैं अपनी तरफ, और फर्स्ट जो इसका ऑन ऑफ बटन है इसको हम फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं इस कैमरे को। ये देखिए कैमरा जो है ऑन हो गया है। सबसे पहले ये हमसे हमारी लोकेशन पूछ रहा है, और उसको नेविगेट करने के लिए मुझे लगता है टच स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं हम। या तो लिस्ट में हम अगर जा सकते हैं डायरेक्ट, तो जो बटन के थ्रू ही करते हैं हम, है डली में, डली सेट बटन को एज ए ओके बटन यूज करेंगे। फिर हम आ जाते हैं नीचे, फिलहाल ओके कर दिया हमने। और आज की डेट है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो डेट चलिए हम बाद में सेट करेंगे, ओके कर देते हैं इसको। इसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं सीन इंटेलिजेंट ऑटो, तो फिलहाल के लिए हम बिगनर हैं तो इसको ओके भी रखते हैं, ऑटो पे कर देते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, हमारा कैमरा जो है ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी इमेज क्वालिटी। या कुछ बटन्स दिए गए हैं नेविगेशन के लिए, आगे की तरफ ये लेंस, देखने में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और मैट फिनिश है। और यहाँ ऊपर की तरफ जो है आप अपना चाहे तो अलग से माइक, एक्सटर्नल माइक जो है अटैच कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पर जो है अगर आपके पास लेपल माइक है या फिर माइक अटैच करने के लिए जो आपको इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है आप अपना माइक अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ और कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं, जैसे कि HDMI आउट और डिजिटल आउट इन का